जनाब चेयरमैन, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन जनाब आसिफ अली खान जरदारी साहब, यहां बलूचिस्तान के सदर जनाब चंगेज जमाली साहब, बलूचिस्तान के दीगर कायदीन, मुख्तलिफ सूबों से आने वाले सूबाई सदूर और अहदेदार, स्टेज पे बैठे वालों, लेकिन पहाड़ों का हुस्न बढ़ाने वाले बलूचिस्तान के दोस्तों, बहनों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो और जिए बेनजीर भुट्टो। आप बलूचिस्तान के दोस्तों आज अपने पार्टी को मना रहे हो, अपने पार्टी को जिसने 57 साल दिए, अवाम दोस्ती का मिसाल कायम किया, अवाम के दोस्त बने, अवाम की खिदमत बनी, फर्श से उठ के कुर्सी पर बैठे और आप कहलाने लगे कि ताकत का सरचश्मा आप लोग हो। ये ताकत के सरचश्मे के पास हम आए हैं उसी पीपुल्स पार्टी का नाम लेकर जिसने रोटी, कपड़ा, मकान का नारा दिया और आज भी कायम है और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश में मसरूफ है। शाबाशी दो, शाबाशी दो आसिफ अली जरदारी साहब को कि जिसने 2008 में 18वीं तरमीम पास करके आगाज़े हुकूक के बलूचिस्तान का ऐलान करके एनएफसी में सूबों का हिस्सा बढ़ा के तुम्हें खुशहाल करने की कोशिश की, आपको खुशहाल करने की कोशिश की कि आपके महरूमियों का हमें पता है, आपके जिस पसमानदगी का हमें पता है, आपके बेरोजगारी का हमें पता है, आपके हिस्सेदारी का हमें पता है, आपकी हिम्मत और गुरूर का हमें पता है। हम बंद गलियों में नहीं बैठते, हम कमरों में नहीं बैठते, खुले मैदानों में आते हैं कि यही जुल्फकार अली भुट्टो ने सिखाया, यही बेनजीर भुट्टो साहब ने सिखाया और यही बिलावल साहब और आसिफ साहब मिलकर आवाम की दिलजोई करने के लिए निकलते। हमने मजामत की है, हमने मुकाबला किया है, हमने कोड़े खाए हैं, हम जेल में गए हैं और फांसियों पे भी चढ़े तो घुंघरू बांध के चढ़े हैं। ये वो जिंदगी है, ये वो पीपल्स पार्टी की तारीख है जिसपे पाकिस्तान के लोग उस जमहूरी कुव्वत पर, जमहूरी जदोजहद पर फखर करते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी अगर आपने नाम दिया, आइंदा भी अपने साथ दिया तो तेरी बेरोजगारी अवलीन तरजियत होगी, तेरा एनएफसी अवलीन तरजियत होगा और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को फिर असली जमहूरियत में लाकर असली अवाम की कुव्वत से बढ़कर हम आपकी खिदमत कर सकते हैं। जिए भुट्टो।